आज हम बनाएंगे मूंगफली वाले जीरा आलू जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए इन व्रत के समय में, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। इसे बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मूंगफली ऐड करने से ये काफ़ी फिलिंग होती है और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इस रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए, अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे पैन गरम कर लिया है मैंने, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम के बीच रखिए। ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप मूंगफली के दाने और इसे लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छी तरह से भून जाते हैं, इनका कलर चेंज होने लगता है इस तरह से देखिए। तो फटाफट इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं, पैन में मत छोड़िएगा नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएंगे और इनका टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो इस तरीके से इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद इसके स्किन को आप पील कर लीजिए, इस तरीके से ईजिली वो निकल जाते हैं। और हल्का सा दरदरा कूट लेंगे हम, बहुत ज़्यादा बारीक बॉर्डर नहीं बनाना है हमें, इसका टेक्सचर रहना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे तैयार करके रख लेना है। अब सेम पैन में मैंने 4 छोटी चम्मच घी ऐड किया है। घी गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 हरी मिर्च मोटे टुकड़ों में काट के। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं जिसे पील कर लिया है और इसे क्यूब्स में कट कर लिया है, इस तरीके से देखिए। बेसिकली हम जो जीरा आलू बनाते हैं उसमें उबले हुए आलू का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस रेसिपी के लिए आप कच्चे आलू का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही डाल दिया है मैंने नमक स्वाद के अनुसार और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिलाने के बाद हम इसे कवर करते हुए पकाएंगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखिए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुका है, तो चेक कर लेते हैं आलू डन हुए कि नहीं। तो कवर करके अगर हम पकाते हैं तो आलू जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आलू डन हो चुके हैं, आधे मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे और भूनिए ताकि इनके ऊपर एक अच्छा सा क्रस्ट आ जाए, फिर हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड किया है मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 छोटी चम्मच के करीब है और साथ ही डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच के करीब ब्लैक पेपर पाउडर। बस यही दोनों मसाले जाएंगे, बाकी अगर आप व्रत के दौरान कुछ और भी मसाला खाते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से लगभग 1 मिनट तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से इनके ऊपर क्रस्ट आ जाएगा और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी लगते हैं ये, लुक वाइज मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे आलूओं को हमने अच्छी तरह से मसालों के साथ भून लिया है उनके ऊपर क्रस्ट आने तक। अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हम मूँगफली जिसे हमने तैयार करके रखा था, साथ ही डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और यहाँ पर हम 1/2 नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे। यहाँ पे आप बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर बढ़ाने के लिए। अब सबको फटाफट मीडियम फ्लेम पे एक बार मिक्स कर लीजिए। मूंगफली ऐड करने के बाद इसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, मूंगफली को हमें सॉगी नहीं करना है, उसका क्रंच इसमें रहना चाहिए तभी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। और यहाँ पर देखिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, लुक वाइज इस तरह से दिखता है ये, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है इसका, आप ट्राई करके देखिएगा आपको बहुत अच्छी लगेगी और फीलिंग भी काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आप ये खा लेते हैं स्वीट लस्सी के साथ तो आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई करके देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। रेसिपी का इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।